बागेश्वर में रहने वाले पानी की किल्लत से परेशान है। सरयू और गोमती दो नदियों के होते हुए भी बागेश्वर में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। शहर की 25,000 की आबादी के लिए 5 MLD पानी की जरूरत होती है, लेकिन उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे जनता पानी के लिए दर दर भटकने को परेशान है। सर जी, ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग सरयू और गोमती दो नदियों के बीच में हम लोग रहते हैं, मंडल सिरा कठैतवाड़ा और नगर क्षेत्र से लगी हुई जो ग्राम सभाएं हैं, और हम लोग आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी जो है आज पानी के लिए जूझ रहे हैं। राज्य को बने हुए आज 18 साल हो गए, जबकि एक बच्चा जो है गर्भ का बच्चा वो बालिग हो गया, लेकिन 18 साल के भीतर हम लोग अभी भी पानी के लिए, जबकि हमने राज्य बनाया, इतना बड़ा आंदोलन किए, डंडे खाए, लाठियां खाई, 40 से अधिक कुर्बानियां हमारे लोगों ने दी, ये राज्य मिलने के बाद जो मूलभूत हमारी समस्या है, सर्वप्रथम पानी की समस्या है। लेकिन पानी के लिए पूरे नगर क्षेत्र से लगी हुई ग्राम पंचायतें आज पानी के लिए जूझ रही हैं। जिले में बनी कुल 163 पेयजल योजनाओं में से नगर वासियों को केवल 3 का ही लाभ मिला, जिसमें करीब 6500 कनेक्शन धारकों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं विभाग की 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतरने में हो रहे विलंब होने से विभाग नए कनेक्शन भी नहीं बांट पाया है। दो कनेक्शन है, एक जखेड़ा से है, एक बाजार से है, लेकिन दोनों में पानी नहीं है। आज 2 महीने से हम बहुत तीन महीने से परेशान है। बरसात में तो बंद होता ही था, लेकिन आजकल सरकार द्वारा जो ये समस्याएं दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी मंडल सिरा में भी सरकार द्वारा 73 का बजट पास किया गया है, वहाँ ज्यादा पानी की क्राइसिस है, जब भी हम द्वारा उसको कार्रवाई उस पर की जा रही है। तो अभी हम भी अपने स्तर से जिला योजना के अंतर्गत जो जितना प्रयास हो सकता है सरकार के सहयोग से हम इसको दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बता दे कि अमसरकोट योजना 10 किलोमीटर और जखेड़ा योजना करीब 22 किलोमीटर दूर बनी है, जिनके रखरखाव के लिए पूरा प्रबंध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे शहरवासी प्राकृतिक स्रोतों से प्यास बुझाने को मजबूर हैं। बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।